अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। एजल, अभी हम जा रहे हैं हॉट एंड स्पाइस। एजल की कौन आएगी? दादी आएगी। सो अभी आई हैं अम्मी रुकने के लिए, तो हमने सोचा रात में खाना हम बाहर से खाएंगे, तो अभी हम जा रहे हैं हॉट एंड स्पाइसी। फिर वहाँ मिलती हूँ आपसे। हेलो, अरे लिजर्ड की बात नहीं करनी। वाह, कवल पराठा बना रही है। क्या बना रही हो? मॉर्निंग में नाश्ते में पराठे। एजल नीचे बैठ जाओ, एजल नीचे बैठ के खेलो। रोटी बना रही है, नीचे बैठो, मैं आपको बेलन और वो दे रही हूँ। चकोर पराठे, मुझे सारे काम हो जाते हैं। हाँ, तो क्या तुम्हारा ही बेलन नहीं, बेलन नहीं चल रहा। अम्मी आई हुई है और कवल आज मॉर्निंग में बना रही है पराठों का नाश्ता। वाह भाई, मैं जिम करके आ गई। अच्छा, तो मैं भी चाय में दूध डाल रही हूँ। अम्मी ये वाली चाय पीती हैं, हम डब्बे की पीते हैं। सही है ना, इतना दूध काफी है। हाँ, ये तो मम्मी चम्मच से मक्खन खाती है, ये चम्मच में लेगी और मक्खन खाएगी। इधर आप क्या कर रही हो? मक्खन लेगी। हाँ, अच्छे बन रहे तुम्हारे पराठे, जबरदस्त है। ये झाड़ू भी दिल रहा है। इधर मक्खन खा रही हो, बैठ के एक जगह नाश्ता करते हैं। बैठो। कवल बना रही है भिंडी गोश्त और क्रीमी पास्ता। अम्मी बना रही है बढ़िया आलू बढ़िया। इसमें क्या बन रहा है? पास्ता। इसकी पास्ता बन रहा है, वो भिंडी गोश्त बनाऊंगी क्योंकि पतीले नहीं है। वो छोटा पतीला है ना, उसको ले तो मुझे दे दो। अरे मैं बना रही हूँ, बना रही हूँ अम्मी। अम्मी यहाँ बना रहे थे कवल को। और कुछ ना दो। क्या अदरक लहसुन और टमाटर? ये किस चीज के लिए? भिंडी के। अम्मी आप हट जाए ना, आप क्यों खड़ी हो गई? कवल बना रही थी भिंडी को, अम्मी खड़ी हो गई जबरदस्ती। ठीक हाउसे वाले, आप मुझे वो निकाल दें। अम्मी नहीं निकलवाई ये। अभी भी मोटा मोटा है कवल, मोटा मोटा है अभी भी, मोटा मोटा है। डाल दूं से? वो अभी वो नहीं है ना, लाइट नहीं है, जनरेटर पे प्रेशर नहीं ले रहा। लो, ये किस चीज का? ये बढ़िया के लिए निकाल लो। ये हो गया भिंडी गोश्त का, अब वो दो मुझे। ये सारे मसाले आपके मम्मा, कोई बात नहीं, मैंने समय डाला है। यखनी में है इसलिए कि मैं गोश्त पे भी बसता है ना। अब मैं बढ़िया वो का है धनिया नीचे, ये धनिया और गरम भोजन। ये अम्मी ने टोपी उतारी है, ये नहीं काटते, इसकी टोपी उतारी ऊपर ही बोल उतार। मैं अभी बांध के लेने जाऊंगी, तो मैं कौन ला दूंगी, तुम परेशान ना हो, जो बोलोगी वो ला दूंगी, तुम्हारी रेसिपी खराब नहीं है। कौन का क्या तुमने? क्रीमी पास्ता। अच्छा, वो दो क्या क्या अंदर? लहसुन अदरक और टमाटर प्याज। मम्मी दरवाजे बंद। सही, उसे मैंने डाला थोड़ा सा नमक।
बढ़िया होती कैसी है? बढ़िया है काम हो रही है। ये मेरे बनती है, आप घर में बनाते हैं? मैंने घर में बना के सिखाई है। ये देखो अच्छा। एक चम्मच मिर्च का लिया मैंने, पहले आप एक चम्मच बल्कि थोड़ी सी और जल्दी बन जाती है। हाँ हाँ, आलू के साथ ये मैंने ली हल्दी थोड़ी सी और चम्मच। कश्मीरी मिर्ची भी है, अच्छा आपको ना। ये मैंने लिया आधा चम्मच धनिए का, वही सारे मसाले जाते हैं ना, नमक प्याज सब, टमाटर अदरक लहसुन। ये जरा खूब खट्टी होती है तो जरा इसमें खटास कम होनी चाहिए। बेसन की होती है ये? मूंग की दाल की बनी। अच्छा, मैंने ये डाल दिया, ये मैंने डाल दी भिंडियां इसमें। पानी दो यखनी ना डाली? हाँ यखनी, ये यखनी का पानी डाला मैंने थोड़ा सा इसमें। आप तो अपना चैनल बना लें, मैं आपको कह रही हूँ। आपकी तो मैंने कितनी रेसिपी डालती थी उस वक्त जब मैं वहाँ थी, आपकी रेसिपी डली हुई मेरे उस पर। देखो मैंने बड़ियों के लिए, अभी मैं प्याज काट रही हूँ बंघार के लिए, बस ये अंडा फ्राई करना है, इस तरह की चीजें पराठा तो उसके लिए अच्छा। बढ़िया दे दो मुझे, ये मैंने डाली बढ़िया। कमल दूसरा बड़ियों के लिए कौन सा चम्मच दिया था तुमने अम्मी को? अरे एक प्लेट दे दो मुझे जल्दी, ये ले लेंगे सालन से। मुझे ज्यादा नहीं करनी है बड़ियों को, बस एक ही सालन का चम्मच यूज कर रहे हैं आप। चलो अब ये मैं निकाल लूंगी। अच्छा हल्का सा बढ़िया मैंने निकाल ली, अगर ये ज्यादा हो गई तो ये गलेंगी नहीं। अच्छा ये रोटी से खाई जाती है? सालन, सालन है। हाँ ये मैंने डाल ली प्याज, उमेर को पसंद है बहुत, कहेंगे मेरी अम्मी से काम करवाया तुमने। अम्मी से वहाँ बैठा ही नहीं जा रहा था कि ये लोग अभी मेरी मैदा रखा हुआ है, मेरा दिल चाह रहा है उसकी पत्ता कितनी बनाने की, मेरे उस जायका को बहुत पसंद है, एक दिन बनाऊंगी सूजी की रेसिपी। ये हो गई मेरी प्याज ब्राउन, बिस्मिल्लाह। अम्मी के नसीब में आपके हाथ की बढ़िया थी, कहती फोन करके पूछो अपनी सास से रेसिपी। तो यार खाना बनाता था ना, मैं कहती थी अब मेरा हाथ लग गया, अब जायका आ जाएगा, तो ये लोग चिढ़ जाती थी अम्मी। अच्छा मैं इतने सालों से अम्मी मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब पे, अब समी भाई की वो जो मैंने रान की वीडियो डाली ना, समी भाई कहते हैं देखा 1K इसलिए हुआ है तुम्हारा, 1000 सब्सक्राइबर। वैसे वो बवे किस्मत वाली होती है जिसकी दो अम्मी, छोटी अम्मी एक साथ, एक साथ सही है ना, साथ के बराबर है। यकीन करें ये अम्मी बड़ी खुश होती है, मैं पका के खिलाते भी मुझे तेल और चाहिए। अब अम्मी ये कितनी देर पकाना है इसको? पकाना ये भून जाएगा ना, हाँ गले हो जाएंगे तो बढ़ा देंगे भून के। कलर कितना प्यारा है,
अच्छा पुदीना है उसके बगैर मजा नहीं आएगा। नींबू और पुदीना नहीं, नींबू तो है फ्रेश। अभी मैं लेते हुए आऊंगी, बांध को लेने जा रही हूँ ना बस, और उसकी भी भुनाई होगी फिर इसमें पानी डल जाएगा। अगर ही मैं देखूंगी ये नहीं गली है तो इसमें पानी और डालूंगी, बल्कि थोड़ा सा डाल मैं पानी तभी भुनाई और फिर शोरबा डालेगा। सही। तो ये भिंडी गोश्त तैयार है और ये जो है भुनाई कर ली थी अम्मी ने, मैं तैयार हो रही थी क्योंकि बांध कर स्कूल से देर हो रही थी। अब इसमें पानी डाल के इसको ढक दिया है। ओके जी, तो मैं जा रही हूँ बांध को लेने, मैं कबल और एजल और हम लोग जो है क्या पढ़ रही हो, एजल पढ़ रही है सुभान अल्लाह। जब हम स्टेयर्स उतरते हैं या लिफ्ट से नीचे जा रहे होते हैं, यू हैव टू से सुभान अल्लाह, और व्हेन एवर यू गो अप स्टेयर यू हैव टू से अल्लाह, ठीक है, जरूर ये दुआ पढ़े सुभान अल्लाह। तो अभी जो है पता नहीं क्या हुआ है, लिफ्ट खुली ही नहीं है तो लाइट नहीं है, आज स्टैंड में जनरेटर भी नहीं चलाया है इन्होंने, तो अभी स्टेयर्स से जो है 10th फ्लोर से हम नीचे जा रहे हैं और 10th फ्लोर से एजल उतरी है। कैसा लग रहा है, कवल बना रही थी खाना भिंडी गोश्त और फिर कवल ने कहा एक डिश नहीं एक और डिश हो, तो क्रीमी पास्ता बना रही थी, हालांकि मुझे बनाना था कुछ लेकिन कवल ने कहा मैं बनाती हूँ, तुम जिप्स आई हो आज मेरी हड्डियों में, मुझे भी उसमें नहीं कट कर दी है। हाँ मैं साथ लगी हुई थी, मम्मा ने गोश्त बॉइल करके दे दिया था इसका, तब है तो फिर मदर मम्मी ने कहा सास ने कहा मुझसे कि तेरे लॉ से बैठा नहीं जाए, तो उन्होंने कहा कि वो बनाएंगी भिंडिया भिंडी गोश्त। हाँ भिंडी गोश्त वो बनाएंगी फिर अम्मी, मतलब हम लोग जब खड़े हुए थे किचन में मासी से काम भी करवा रहे थे और चीज़ें काट रहे थे, तो उनसे वो बस तेरी मुझसे नहीं बैठे जरा, अब बस हाँ तो अम्मी हड़ी तो पराठे बना के दिए तो बस हो गया कि अब बस मुझसे नहीं बैठा जा रहा, वो है ना नहीं रह सकती काम के बगैर, तो मैंने कहा ठीक है क्योंकि मिलजुल के काम करने में बरकत भी है, और वो मजा भी आता है, तो मैं और उज्मा मम्मा अम्मी हम चारों मिलके हंसी मजाक भी होता है किचन में और काम हो रहा था, कभी कोई कुछ कर रहा था कभी कोई कुछ, तो वो मिलके काम भी होता है और सब कुछ होते हैं। और फिर अम्मी जो है मेरी अम्मी जो है वो बढ़िया लेकर आई हुई थी, तो उनको वो बनानी थी, तो जब सास ने देखा उन्होंने कहा मैं खिलाती हूँ आलू बढ़िया अपने हाथ की, फिर तीन डिश हो गई, कवल बना रही है क्रीमी पास्ता और जो है सास ने फिर बना दिया भिंडी गोश्त जिसमें गोश्त बॉयल था, और जो है फिर सास ने बना दिया भिंडी गोश्त, मैं हेल्पर थी और जो है अम्मी वो फिर सास ने बनाई बढ़िया और अम्मी भी हेल्पर थी, तो हम सब मिलजुल के काम किया था। अब जा रहे हैं बाल को लेने, लेके आएंगे खाना खाएंगे फिर मिलेंगे और ब्लॉग को करेंगे फिर बाद में। अब पता नहीं क्या, अरे नहीं यार अब एक और भी चीज बता रही है, छोटा तो नहीं है यार, ब्लॉगिंग वगैरह करता है सर, अच्छा लगेगा है ना, अच्छा है कवल। कवल बना रही है, इसकी रेसिपी ऑलरेडी आ चुकी है, इसमें डालेंगे ऑलिव्स, कॉर्न, इसमें पुदीना जो है इसमें जाएगा, बढ़िया भी तैयार हैं, पास्ता बस ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है ना, रोटी डालनी है चकली में हाथ की रोटी डालनी, क्रीमी पास्ता बनाई है जो भिंडी गोश्त, उसमें मम्मी मेरी मम्मी डाली है पुदीना। चलो खाना बस लगाते हैं, ठीक है अच्छा मैं दे रही हूँ, जो वहाँ बैठे हो दादी के पास क्या लोग उज़्मा की वीडियो देखेंगे, छोड़ें ये देखें
उज़्मा को तो आप लोग रोज अपने ब्लॉग में देखते हैं, उज़्मा की रोटी नहीं फूल रही। वो करके कोफ्ते यूं यूं किए, अच्छी तरह उलट पलट होके सब लगे ना रोटी नीचे, जितना शोरबा रखना हो पानी डाला अच्छा लगा। हमारे तो आलू की रोटी है, लुक लुक एट माय रोटी। तो फिर वो आलू और मेरी भी मैं बना रही हूं, तो आलू बन के अंडे उबाल के डाल देते हैं, आलू बच्चे के लिए डाल देते हैं। थोड़ा किचन में आ रहे हैं, मैं कैमरा मैन तो बन जाऊँगा इधर। वो बच्चों का क्या साथ है? शबान अम्मी भिंडी रोटी खाएगा। कवल ठीक है, क्या करना है? अल्लाह अकबर, भाई बुला रहे, तुम सजदा तो कर लो अल्लाह के आगे, सजदा। आ रही हूँ मेरा बच्चा, तुम अपना पाँव हटा दो, आप पढ़ लो, अपना पढ़ो, अपनी अपनी नमाज का जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहन को देखो अपनी, माशाल्लाह माशाल्लाह, छोटी सी बहन देखो अपनी। तो पूरी लेट गई है, चलो बाय सबान। अस्माउल हुस्ना सुनाओ, अस्माउल हुस्ना आपके कल फ्राइडे को प्रेजेंटेशन है ना स्कूल में।